बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम भरवा बैगन ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। इसे यहाँ पर मराठी में खारा वांगा ऐसा कहा जाता है और ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी बनती है। और इसमें जो है खटाई का यूज़ नहीं करते हैं और पानी का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, और ये बग़ैर पानी और बग़ैर खटाई के बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसके लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने हरे वाले बैंगन लिए हैं, ये हाफ के जी बैंगन है, आधा किलो, और ये इसमें बीज बहुत कम होते हैं। और इसको क्या किया हमने, इसकी जो है ये इस तरह से ऊपर की डंडी जो है आधी कट कर ली है, साइड के भी ये जो है पार्ट जो है इसकी जो पंखड़ियाँ थी वो भी हमने एक्स्ट्रा निकाल दी है। इस पर कांटे नहीं होते ज़्यादा, लेकिन अगर कांटे हो तो भी आप छुरी से उसे निकाल दें। और इस तरह से चार पार्ट उसके हमने कर लिए, चार भाग, और उसको चेक कर लिया अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और बीज भी इसमें कम ही है और बहुत अच्छे बैगन हैं ये। तो बैगन हो गए, और बैगन के बाद में हमने यहाँ पर लिया है मूंगफली मसाले में, ये मसाले हमको पीसना है। तो यहाँ पर हमने मूंगफली ली है, ये 25 ग्राम मूंगफली है, इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, थोड़े छिलके इसके निकाल दिए हैं और थोड़े छोड़ दिए, पूरा अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया है, ऐसे ही रखना है। और ये सूखा नारियल है, सूखा खोपरा, इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। ये एक चम्मच 1 टीस्पून धनिया है, खड़ा धनिया है, और ये दलिया है यानी कि भुने हुए चने हैं जो इसको दो हिस्सों में बटे हुए हैं, ये भी हम पीसने में इस्तेमाल करेंगे। और ये दो लौंग, ये जो है दो दालचीनी के टुकड़े हैं, 3-4 लौंगे हैं और थोड़ी सी काली मिर्च है, ये हम मसाला पीसेंगे। और पीसने वाले मसालों में हमारे पास यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, और बघार के लिए हमने लिए यहाँ पर कड़ी पत्ते, और ये कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, 4 कलियाँ हैं, इसे हमने थोड़ा सा ठेच लिया है, ठेच लिया यानी कुचल लिया है, और ये थोड़ी सी हींग है। हल्दी की ज़रूरत होगी हमें, और ये नमक है, हसबे जायका हम नमक यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके बनाने के लिए हमें लाल मिर्च की और अलग से कोई पाउडर मसालों की ज़रूरत नहीं लगेगी, और मिर्चें भी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमने 5 हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहो तो इसमें बढ़ा सकते हो और चाहो तो कम भी कर सकते हो। ये 8-10 कलियाँ हमने लहसुन के लिए, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, और यहाँ पर हरा धनिया है। ये हरा धनिया भी अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो वैसे ही बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं भरवा बैंगन या खारी वांगी या खारा वांगा ये रेसिपी। नाज़रीन, ये हमने सूखे मसाले सारे पीस लिए हैं, और ये जो है मिर्ची, लहसुन, अदरक और कोथमीर ये अलग से पीस लिया है। अब ये मिला देंगे हम इसमें, ये मसाले में, सूखे मसाले में। अब इसमें ये मिला है या इसमें ये मिला है, अब इसमें ये हल्दी जो है ये भी मिला देते हैं, थोड़ी सी बचा लेते हैं, और नमक हसबे जायका, क्योंकि हमने अभी पानी में भी नमक डाल के रखा था बैंगन वाले पानी में, चख लेते हैं वो, फिर उसमें अगर ज़रूरत लगी तो और मिला लेंगे। ये मसाले को बहुत अच्छे से हमको मिक्स करना है। बैंगन को हमने पानी में से निकाल लिया है ताकि इसमें के जो अंदर पानी है वो भी निचल जाए और थोड़े से बैंगन हमारे ड्राई हो जाए। तो ये अच्छे से हम मिक्स करते हैं और फिर आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक और हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, और अब क्या करते हैं, हम बैंगन में ये मसाला भरते हैं। ये बैंगन हमारे इस तरह से कटे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से भरना है, दबा दबा के मसाला भरना है, पानी निकल रहा है इसमें से। सारे बैंगनों को हम इस तरह से अभी भर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। इनको हमने बहुत अच्छे से पूरा भर लिया है और अभी तैयार है, अब हम बघारने जा रहे हैं। तो हमने डेगची रख दी है और अब आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये 100 ml ऑयल है, और अब हम क्या करते हैं इसमें तड़का लगाते हैं। ये लहसुन हमने ठेच के रखा है यानी कि उसको थोड़ा सा हल्का सा कुचल दिया है, और अब हम क्या करते हैं इसमें ये कड़ी पत्ते ऐड करते हैं। और ये थोड़ी हींग जो है ये भी इसमें डालते हैं। थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज होने के बाद में हम इसमें बैगन ऐड करेंगे।
तब क्या करना है हमें, बैगन जो है ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें ज़्यादा मांग रही हूँ। अब आँच को बिल्कुल स्लो करके और इसे ढक के रख देना है। अगर मसाला आपका बच जाता है तो आप इसके ऊपर डाल दो, हमने मसाला बिल्कुल नहीं बचाया है, सारा भर दिया है। अब इसे ढक्कन लगा के हम इसको बिल्कुल स्लो आँच पे छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। नज़र बैगन को ढक के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। इसमें अभी चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ा और 5 मिनट आके रखते हैं। नादिन ये पकते हुए 5 मिनट और हो गए हैं और अभी इसमें जो है बहुत अच्छी भाप बन गई है और अभी हम सब बैगन को पलट देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फिर पकने रखते हैं 5 मिनट और फिर दिखाता हूँ। नदी ने बैगन को पकते हुए और 5 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी भाप बन गई है। और अब हम चेक करते हैं कि गले हैं या नहीं गले, तो गलना है गले हैं या नहीं गले हैं देखने के लिए आपको कोई भी एक लकड़ी ले लो या एक स्टिक ले लो, टूथपिक ले लो, और क्या करना है कि बैगन में इसको ऐसे चुभो के देखना है। अगर बहुत ईजीली ये चले जाते हैं तो समझिए कि गल गए हैं। ये देखिए बहुत आराम से ये हो रही है अंदर, तो ये बहुत अच्छे से गल गए हैं, ऐसे ही चाहिए थे हमें। तो अब जो है हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश ऑफ करके दिखाते हैं। नाज़रीन अभी हमारे बैगन जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमने इसे ऑफ करके गैस की फ्लेम को रख दिया है और अब हम इसे डिश में निकाल रहे हैं। इसमें डरमान नहीं, तो लीजिए नाज़रीन ये हमारे महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस भरवा बैगन या खारा वांगी ये रेसिपी तैयार है। ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी है, और अगर आप सफ़र पे जा रहे हो तो ये जो है 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं, आप इसे आसानी से ले जा सकते हो। या घर में भी अगर आपको बना के खा रखना है फ्रिज में तो आप रख दो, और जब भी आपको साइड डिश के तौर पर कोई चीज़ की ज़रूरत हो, सब्ज़ी की ज़रूरत हो, तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटियों के साथ, खिचड़ी के साथ या दही अगर इसमें मिला के खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये बैंगन आप ज़रूर घर में बनाएं, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी ट्राई ज़रूर करें, खाएं, खिलाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।